हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास सेवन्थ की मैथ की बुक से प्रश्नावली 12.1 के आगे के प्रॉब्लम्स को, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को तो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया था, रेशियो नंबर के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया था, ठीक है, और वीडियो लंबी होने के कारण मैंने आगे के क्वेश्चन को नहीं समझाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के आगे के प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो के एंड के होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परिमेय संख्याएँ लिखिए। मतलब कि प्रत्येक, मतलब यहाँ पर जितने हर एक का जो प्रत्येक प्रतिरूप में, यानी कि प्रत्येक प्रतिरूप मतलब क्या, इसी पैटर्न में आपको 5 और रेशियो नंबर लिखना है, मतलब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, उसी पैटर्न में आपको आगे भी 5 रेशियो नंबर और लिखने हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है -1/2, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, चलिए -2/4 और -3/6। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 6। 2 के टेबल में ये देखिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, यानी कि इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं ऊपर भी और 2 से नीचे भी गुना कर रहे हैं। तो जब 2 से गुना ऊपर किया तो -2 आया, और जब 2 से गुना किया नीचे तो 4 आ गया। फिर यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं इसी में, फिर 3 से गुना कर रहे हैं और यहाँ भी 3 से गुना कर रहे थे, इसमें 3 से गुना किया तो -3 आ गया, इसमें 3 से गुना किया तो 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 2 से गुना हुआ, 3 से गुना हुआ और अब 4 से गुना होगा। तो -1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो -1 को 4 से करेंगे तो -4 आएगा, ठीक है, और 2 को जब 4 से करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद अब किससे करना है, 2 3 तो हो गया, 4 भी हो गया, अब 5 से करना है। अब हम लोग को यहाँ से 5 हम लोग को रेशियो नंबर चाहिए, ठीक है। तो 5 चाहिए तो एक तो मैंने कर ही दिया, 2 3 4 5, क्या करेंगे, देखो 2 से गुना किया, 3 से गुना किया, 4 से गुना किया, अब 5 से ऊपर नीचे गुना करो। तो यहाँ जब 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -5/ कितना हो जाएगा, 10। यहाँ फिर इसके बाद -6 से गुना करना है तो -6/12 हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे ऊपर भी 7 से नीचे भी, तो ऊपर गुना करेंगे तो -7 होगा और नीचे गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 से गुना करेंगे तो -8 और 8 16, तो ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है, -2/5 है और यहाँ उसके बाद कितना हो गया, -4/10 है, फिर कितना हो गया, -6/15 हो गया। तो देखो यहाँ पर 2 2 4 3 6 है ना, 2 2 4 3 6, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी देखो 5 2 10 और 5 3 15, तो मतलब हमको क्या करना होगा, -2/5, देखो मैं एक करके यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अगर आपको नहीं समझ में आए तो, -2/5, यहाँ 2 से गुना करके ये आया, 3 से गुना किया तो ये आया, अब 4 से गुना करना होगा, तो 4 से गुना करेंगे, नीचे भी 4 से गुना, जितना ऊपर में उतना ही नीचे से, 4 2 8, -8/20, तो यहाँ लिखेंगे -8/20, एक हो गया। अब देखो 4 से गुना कर चुके हो, अब 5 से गुना करो, -2/5 × 5/5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, इनके -10 5 25, तो यहाँ हो जाएगा -10/25, ठीक है। इसी तरीके से आपको 3 4 3 4 और 5 इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा, बस आपको गुना कर देना है, ठीक है ना। चलिए माइनस, इसमें भी वही चीज़ आ रहा है, देखो यहाँ पर -8/9 है और यहाँ -16/18 आ गया, देखो इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें देखो 8 2 16 होता है ना, मतलब 2 से गुना किया ऊपर में, 9 2 18, मतलब 2 ही से गुना कर रहा ऊपर नीचे। फिर उसके बाद क्या हो गया, -24/27 आ गया, मतलब 8 3 24, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना कर रहा है, 9 3 27। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, अब 4 से गुना करेंगे तो 8 4 32 होता है, तो -32/9 4 36। उसके बाद 4 से हो गया 5 से, 8 5 40 और 9 5 45, ठीक है। इसी तरीके से 2 और आप निकाल लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1/4 2/8 3/12, ये तो और आसान हो गया, देखो 1 2 2 1 3 3 4 2 8 4 3, इनके 2 से गुना किया, 3 से गुना, अब 4 से करेंगे तो 4/16 हो जाएगा, 5 बट्टा
20 हो जाएगा, 6 बटा 24 हो जाएगा, 7 बटा 28 हो जाएगा, 8 बटा 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखो आप कह रहा है कि नीचे जो दी गई है संख्या आपको, ये परिमेय संख्या, इनमें से प्रत्येक के लिए 5 समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए, यानी कि आपको 1/8 दिया गया है, अब आपको 5 ऐसे ही इसके बराबर आपको लिखना है, ठीक है। तो 1/8 है ना, तो इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दो, तो 2/16 हो गया, 3/24 हो गया, 4/32 हो गया, और 5/40 हो गया, 6/48 हो गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे एक नंबर से गुना कर रहे हैं। कौन से नंबर से? तो देखो पहले 2 से गुना किए, फिर 3 से गुना किए ऊपर नीचे, फिर 4 से गुना किए, फिर 5 से किए, फिर 6 से किए। आप इसके अलावा और भी नंबर से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसे ही हम लोग कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसके बाद आपका आता है -2/3, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, ऐसे बराबर का चिन्ह देना है। अब इसमें देखो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करो, तो 2 × 2 = 4, -4, 3 × 2 = 6, फिर 3 से गुना करेंगे ऊपर और 3 से नीचे, तो -6/3 = 9, फिर ऊपर 4 से गुना करेंगे नीचे भी 4 से, तो -8/12, उसके बाद 5 से गुना करेंगे -10/15, ठीक है। इस तरीके से हम गुना करेंगे, फिर छः से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, और 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको 5/9 का भी निकालना है, आपको 5/9 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कीजिएगा तो -10/18 हो जाएगा, ऊपर में फिर गुना कीजिएगा 3 से नीचे भी 3 से, तो 5 × 3 = 15, यानी कि -15 और 9 × 3 = 27 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो -20 और 9 × 3 = 36 हो गया, 5 से गुना करेंगे तो -25/45 हो गया, 6 से गुना करेंगे तो -30/54 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ गया है सारा, मैंने 1, 2, 3 आपको बता दिया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, -5/12 की ऐसी 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर क्रमशः 60, 84, 108 और -24 है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है आपको, समतुल्य ही लिखना है, लेकिन इसमें आपको आपको क्या कह रहा है, शर्त लगा दिया है। क्या शर्त लगाया है, देखो -5/12 तो है, अब इसके बराबर आपको लिखना है, लेकिन कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका हर 60 हो, ठीक है। यहाँ भी कह रहा है कि अब 84 हो जाए इसका डिनोमिनेटर, अब इसका कह रहा है कि नेक्स्ट लिखना है तो उसमें 108 हर को रखना है, और उसके बाद कह रहा है कि -24 यानी कि -24 आपको रखना है, ठीक है, -24। तो अब बच्चों देखो यहाँ 12 है, इधर 60 आ गया, मतलब किससे गुना किया गया इसको, इसको गुना किया गया 5 से, तो आप 5 से ऊपर भी गुना करके लिख दीजिए, 5 × 25 होता है, -25 हो गया। यहाँ 12 या 84 किससे गुना किया गया, 7 से, 12 × 7 = 84, 12 × 7 = 84 होता है, तो 7 से ऊपर 7 से नीचे गुना, 7 से जब नीचे गुना किया तो 7 से ऊपर भी गुना करना होगा, तो -35 हो जाएगा। समतुल्य में यही चीज होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर बनाने के लिए यही काम करते हैं, जितना नीचे से गुना उतना ही ऊपर से गुना करते हैं। 12 से कितना बार गुना किया गया, चक्कर जल्दी से 12 के पार में आता है, हाँ 12 × 9 = 108, 9 से गुना किया तो 9 से ऊपर भी गुना करो तो -45 हो गया। यहाँ देखो 12 × 2 = 24, -2 से गुना कर रहा है ना, 12 × 2 = 24, मैंने कि -2 से गुना करके ये आया, तो -2 ऊपर से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। उसके बाद अब जो है आपका बचता है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, इसी तरीके सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि -8/, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, -8/11 है, इसके तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है, लेकिन कह रहा है कि अब अंश आपको बता दिया कि -24 हो गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 40 हो गया, इसके बाद कह रहा है कि 72 हो गया, ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि -96 हो गया, है ना। तो ये हर आपको दे दिया है, सॉरी अंश दे दिया, अब हर आपको निकालना है। -8 है या -24, इनके 3 से गुना किया, 8 × 3 = 24 होना, इन 3 से गुना किया तो 11 × 3 = 33 हो गया। इसके बाद 8 × 5 = 40, मतलब 5 से गुना किया, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, मतलब -5 से गुना किया, तो -5 को 11 से गुना करेंगे तो -55 आ जाएगा। उसके बाद 8 × 9 = 72 होता है, इनके -9 से गुना किया तो नीचे -9 से गुना करेंगे -99 हो जाएगा। फिर 8 × 12 = 96 होता है ना, आप भाग लगा के भी चेक कर सकते हो कि किससे गुना किया गया, अगर आपको नहीं होता है तो 96 में जब 8 से भाग लगाओ तो कितना होगा, 12 आएगा, यानी कि 12 से गुना किया गया, -8 को 12 से गुना करके ये लाया गया, तो नीचे भी 12 से गुना करेंगे, 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, देखो सब मैंने बना दिया आपका, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप इसको अलग अलग बनाओगे, ठीक है ना। जैसे पहला ये ऐसे बना लेना, दूसरा बनाने के लिए ऐसे बनाओगे, -8/11 लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे 40 और इधर आपको जो मैंने बताया 55, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, क्वेश्चंस। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं।
देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पांचवा क्वेश्चन -120 इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप खुद से कीजिए। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल 5 तक मैंने समझा दिया, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।